हेलो स्टूडेंट, मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे दशमलव संख्याओं को बाइनरी संख्याओं में बदलते हैं। ठीक, पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि आखिर बाइनरी संख्याएं क्या होती हैं। तो फ्रेंड देखिए, कंप्यूटर जो होता है वो हर किसी को, हम कंप्यूटर को जो भी कमांड देंगे वो क्या करता है, अपनी ही लैंग्वेज में उसे पढ़ता है। और कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज जिसका नाम है क्या, बाइनरी। ठीक, यानी कंप्यूटर की एक अपनी लैंग्वेज है जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी बोलते हैं। और वो हर एक चीज़ को हम जो भी कमांड देंगे क्या करेगा, वो उसी भाषा में कन्वर्ट करके समझता है। ठीक, तो फिर आज हम समझते हैं कि नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं हम उसे कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ये सुपर टेट में भी आता है और बीएससी वगैरह के सिलेबस में भी अब न्यू सिलेबस में इसे जोड़ दिया गया है। तो फ्रेंड, इसे सीखने से पहले सबसे पहले आपको आना चाहिए क्या, एलसीएम। और मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी को क्या आता होगा, एलसीएम आता होगा। अब जैसे मान लीजिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने पहला नंबर लिया है क्या, 456। ठीक, हम इसे क्या कर रहे हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, हमने इस तरह से दो लाइनें खींच ली और ऐसे कर लिया। ठीक है, जैसे एलसीएम लिखे थे हम उसी तरीके से पॉसिबल छोटी से छोटी संख्या या दो से या जो भी सबसे छोटी संख्या जिससे ये कट रहा होगा उससे हम क्या करेंगे, इसे कट करेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर रखेंगे भागफल यानी कोशेंट और इधर क्या रखेंगे, शेष। ठीक, चलिए देखिए, अब हम यहाँ पर इसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक, देखिए दो दूनी चार, दो दूनी चार, ये हो गया 16 और दो अट्ठे 16। ठीक, यानी पूरा पूरा कट गया, हमारे पास शेषफल क्या आया, यहाँ क्या रखेंगे हम, शेषफल, शेषफल क्या आया, 0। ठीक, अगेन हमने ऐसा कर लिया, फिर से हमने इसे किससे कट किया, 2 से, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, शेषफल हमारे पास क्या आया, 0। फिर ऐसे ही हमने यहाँ रख दिया, फिर यहाँ 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, शेषफल क्या, फिर क्या बचा हमारे पास, यहाँ 0। अगर आप ये शेषफल वाला सिस्टम नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ इधर समझ लिया। देखो जैसे मान लीजिए हमने 456 को 2 से क्या किया, भाग किया। ठीक, तो देखो 2 दूनी 4, 2 बार में गया 4 कट हो गया, फिर हमने 5 उतार लिया, फिर 2 दूनी 4। ठीक, 5 में से 4 माइनस किया तो बचा 1 और यहाँ 6 था, 6 उतार लिया, 2 अट्ठे 16। यानी जब ये पूरा पूरा कट रहा है उस कंडीशन में शेषफल क्या रह रहा है, 0। अगर यहाँ कुछ शेषफल बच रहा होता और ऐसी संख्या आ जाती है जो 2 से छोटी है तो फिर हम क्या करते, उसे यहाँ लिख देते, और अभी अगर कुछ नहीं बच रहा है तो यहाँ 0 लिख रहे हैं। हर स्टेज पर हमने ऐसा ही किया है। ठीक, अब हम फिर से क्या करेंगे, 2 से डिवाइड। देखिए यहाँ देखिए 57 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, देखिए 2 2 जा 4, 5 में से 4 माइनस हुआ बचा 1 और ये हो गया 7, 2 8 जा 16, यानी यहाँ 1 बच गया। अब देखो जब हमने 2 से 57 को भाग किया तो भागफल आया 28, या कोशेंट आया 28 और शेषफल क्या बचा, 1, भाग किया था 2 से। अब फिर से हम क्या करेंगे, 2 से ऐसे क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक, अब देखिए 2 एक कम 2, 2 चौके 8, फिर से क्या आएगा, 0, 2 सत्ते 14, फिर से शेषफल 0, हम इसे आगे बढ़ा लेते हैं, सॉरी ये क्या है 2। फिर से करेंगे, देखो 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 एक कम 2 और फिर क्या बचा, 1 बचा। ठीक है ना, और अगले देखो, चूंकि हमने क्या किया, 2 एक कम 2 हो गया तो ये क्या हो गया, 1। और अब हम क्या करेंगे, इस 1 को ऐसे ना उतार के हम इसे ऐसे ही रहने दीजिए जब तक ये 1 नहीं आ जाता। ठीक, यानी अब देखिए हमने ये पूरी तरीके से एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने 2 से 456 को भाग किया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, कुछ नहीं बचा, 0 शेष। फिर 2 से भाग किया, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, शेष 0। फिर 2 से किया, 2 पंजे 10 इसे, ठीक है, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, फिर 0। फिर यहाँ 2 से ऐसे ही करते चलेगा और एंड में तब तक हम इसे ऐसे ही एलसीएम लेते चलेंगे जब तक क्या नहीं आ गया, 1 नहीं आ गया। अब ध्यान रखना दोस्तों,
अब ये हमारा जो नंबर था 456, ये पूरी तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन इसे हम लिखेंगे कैसे? कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, बाइनरी नंबर्स में लिखते हुए ऊपर से नंबर को लेना शुरू कर देते हैं, यानी लेंगे 0 0 0 1 0 0। लेकिन बाइनरी नंबर्स में ऐसा नहीं होता। नंबर्स को हमेशा कहाँ से लिया जाता है, यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर। यानी अगर 456 एक डेसिमल नंबर था, डेसिमल नंबर को बेस में 10 से दिखाते हैं, ठीक है, तो इसका बाइनरी नंबर हो जाएगा, देखो यहाँ से लेंगे 1 1 1 0 0 1 0 0 0, ठीक। यानी ये हो गया इसका बाइनरी नंबर। ध्यान रखना हमेशा नीचे से एक एक संख्या पहले करके लिखना है, ठीक। हम यहाँ से चलेंगे नीचे से ऊपर की ओर, जैसे यहाँ से गए, पहले देखो हमने क्या लिखा, 1 फिर ये वाला 1 फिर ये वाला 1, फिर ये 0 0 फिर ये 1 फिर ये 3 0, ठीक। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेकर के आपको समझा देता हूँ कि हमें कैसे बाइनरी में और कन्वर्ट करना है। देखिए, ठीक, मान लीजिए अब हम किसको करते हैं, अब हम कर रहे हैं 53। हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन 53, जैसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो सेम सिस्टम हम यहाँ इस तरीके से क्या करेंगे, लाइनें खींच लेंगे और अपने हिसाब से इसे एक्सटेंड करते रहेंगे, ठीक। देखिए फिर 2 से करते हैं हम, ठीक। देखिए 2 दूनी 4, फिर यहाँ समझ लीजिए, देखो 53 को जब हम भाग करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4 1 3 2 6 12 और हाथ से बचा 1, यानी शेष फल कितना बचा, 1। तो यानी भागफल आया 26 और शेषफल इसमें हमारे पास क्या बचा, 1। फिर से हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 1 2 2 3 6, अब हम पूरे पूरे कट गए, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 0। हम फिर से 2 से करेंगे, 2 6 12, अब यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया, तो हमने फिर से यहाँ 1 लिख दिया। अब हम यहाँ फिर 2 से कर रहे हैं, 2 3 6, हमारे पास फिर क्या बचा, 0। हमने फिर 2 से किया, 2 1 2, हमारे पास बच गया 1, ठीक। अब देखो यहाँ तक, अब फिर ये समझाएंगे कि हम 53 जो डेसिमल नंबर है उसे किस तरीके से लिख रहे हैं, लिखेंगे बाइनरी में। ध्यान रखना नीचे से ऊपर की ओर, सबसे पहले क्या बचा है, 1। तो देखो यहाँ से चलेंगे, ये वाला लेंगे 1, सबसे पहले ये वाला 1, फिर ये वाला 1, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर 0, फिर ये वाला 1, ठीक। आई होप आप सभी लोग डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना सीख गए होंगे, ठीक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।